नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं गले में खराश और खिचखिच दूर करने के घरेलू उपचार और होम रेमेडीज। तो आइए इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। बदलते मौसम की वजह से कई बीमारियां हमें अपने चपेट में ले लेती हैं, लेकिन सभी बीमारियों में से सबसे कॉमन बीमारी जो लगभग हर आदमी को इस मौसम में होती है वह है सर्दी जुकाम और गले में खराश या गले में खिचखिच यानी थ्रोट इन्फेक्शन। आम तौर पर जब जब मौसम में बदलाव होता है तो यह लक्षण देखने को मिलते हैं जो है बहुत ही आम लेकिन तकलीफ बहुत पहुंचाते हैं। तो आज मैं आपको गले में खराश और गले में खिचखिच के कारणों और इससे बचने के घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गले में खराश और खिचखिच के कारण क्या क्या हैं। तो इसके कारण है सर्दी जुकाम, गले में दर्द, लगभग 200 से ज़्यादा इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है वह है राइनोवायरस। बदलते मौसम में इन बैक्टीरियाओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। यह सीधे संपर्क या संक्रमित इंसान से आम इंसान में फैलता है। कभी कभी तेज या ज़्यादा बोलने, तली हुई चीज़ें खाने या धूल मिट्टी की वजह से गले में खराश और खिचखिच की समस्या हो जाती है। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में से ऐसे लक्षण जल्दी देखने को मिलते हैं। गले में खराश और खिचखिच के घरेलू इलाज क्या क्या हैं इसके बारे में मैं अब बताऊंगा आपको। गरारे करें, गर्म पानी में नमक के गरारे एक ऐसा घरेलू इलाज है जो सदियों से चला आ रहा है। इसे गले की खराश के लिए सबसे कारगर उपाय माना जाता है। नमक हमारे शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन में से पानी को खींच लेता है जिससे गले में दर्द कम हो जाता है। गरारे करने के लगभग आधे घंटे बाद तक कुछ भी खाने पीने से परहेज करें। अदरक गले की समस्याओं के लिए उत्तम मानी जाती है। अदरक को आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में देखा जाता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। खराश होने पर आप अदरक की गोली या अदरक को शहद के साथ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही गले के लिए अदरक का काढ़ा या चाय भी फायदेमंद है। चाय, काली मिर्च, तुलसी और लौंग की चाय भी एक घरेलू इलाज है जो बदलते मौसम या इन्फेक्शन की वजह से होने वाली गले की समस्याओं के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा आप मुलेठी की चाय या मुलेठी की चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अभी तक मैंने जितने भी आपको घरेलू उपचार बताया वो हल्के थ्रोट इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद है और हर इंसान इसे आसानी से अपना सकता है। वैसे तो इन सभी तरीकों के बारे में बड़े बुजुर्ग जानते हैं, लेकिन आजकल के यंग जनरेशन इन्हें बेकार मानकर अपनाने से कतराते हैं। इसके अलावा कई ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन से ज़्यादा तकलीफ होने पर स्टीम यानी भाप ले सकते हैं या डॉक्टर की सलाह पर एंटी इंप्लीमेंट्री दवाइयाँ भी ले सकते हैं। अगर आपको खराश या गले में खिचखिच है तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। ठंडा पानी बिल्कुल न पिए, पानी हल्का गुलगुना हो तब पिए। मीठी, खट्टी और तली हुई चीज़ों को खाने से बचें, इससे खराश बढ़ जाती है। जितना हो सके धीरे धीरे और कम बात करें। ऐसे कई लोग होते हैं जिन्हें कुछ विशेष चीज़ खाने या किसी विशेष जगह रहने से इन्फेक्शन होता है, जैसे किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने या पेस्ट्री खाने से गला खराब हो जाता है। ऐसी चीज़ें खाने और ऐसी जगह रहने से बचें। दोस्तों, कई बार गले में दिक्कत किसी बीमारी का संकेत होती है, इसलिए अगर दिक्कत सही ना हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप इसी तरह के हेल्थ संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ज्ञान की बातें को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।